शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। लता की मौत कैसे हुई? तुम इंसान नहीं, मेरे भगवान। अरे कि तुम्हारी पत्नी लता का खून हो चुका है। आइए मिस्टर अर्जुन। क्या इसे लगाना जरूरी है? यस मिस्टर अर्जुन, आपके बयान की सच्चाई तो इस केस की सबसे मजबूत कड़ी है। Would you like to smoke? मैं सिगरेट नहीं पीता। तो शायद आप ये सिगरेट पीते होंगे। मैंने कहा ना, मैं सिगरेट नहीं पीता। लता की मौत कैसे हुई? मुझे नहीं मालूम। जिस वक्त वो हवेली से भागी उस वक्त मैं बेहोश था। आंख बंद करके निशाना लगाना अर्जुन का शौक रहा है, लेकिन तुम इंस्पेक्टर करण की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। पता लता का खून किसने किया? इंस्पेक्टर, ये मेरा गिरेबान है, तुम्हारी माशूका का आंचल नहीं। अब मैं तुझे बताता हूं, ये गर्मी तेरी वर्दी की है या तेरी आशिकी की? बोल, बोलता क्यों नहीं? दरअसल तू लता से प्यार करता था। बोलिए, सच्चा या झूठ, जवाब दे। खामोश क्यों है? जब तू उसे हासिल ना कर सका तो मुझे उसका कातिल साबित करके तू अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेना चाहता है। बोलिए, सच्चा या झूठ। कह दे कि तू आज भी उसे प्यार नहीं करता। कह दे कि उसे हासिल करने की आज भी तेरी तमन्ना नहीं है। बोलिए, सच्चा या झूठ। अरे तू क्या जवाब देगा? तेरी खामोशी तेरे गुनहगार होने का सबूत है। इंस्पेक्टर करण, यस सर, तुम्हारे शक और मेरी तहकीकात का रास्ता सिर्फ एक ही दरवाजे पर जाकर खत्म होता है। आओ मेरे साथ। राय साहब, लता। हाँ बेटे, जितना ताज्जुब तुम्हें हो रहा है उससे कहीं ज्यादा हैरत और खुशी तो मुझे हुई थी लता को जिंदा देख के। और ये है वो मछेरे जो मेरी बच्ची को मौत के मुंह से बचा के ले आए। क्या आप लोग बता सकते हैं कि लता आपको कहाँ और कैसे मिली? ये सब तो उस काली माई की कृपा है जो उस तूफानी रात में बहती हुई हमारे जाल में आ फंसी और हमने इन्हें बाहर निकाल लिया। माँ तेरा आशीर्वाद काम आया। चार दिन माँ काली के शरण में रहने के बाद इन्हें होश आया और हम इन्हें यहाँ ले आए। डैडी, क्या यही मेरे पति है? हाँ बेटी, यही अर्जुन तुम्हारे पति। लता की मौत एक हादसा थी, लेकिन उसकी जिंदगी भगवान का एक करिश्मा है। अरे उस हादसे में उसके सर पे ऐसी चोट आई कि वो नॉर्मल हो गई। जब सारी दुनिया ने मुझे पागल समझकर कमरे में कैद करके रखा था तो तुमने मुझे आजाद करके अपने दिल में जगह दी। एक नई जिंदगी, नया प्यार दिया मुझे। तुम इंसान नहीं, मेरे भगवान। अरे नहीं लता, नहीं, तुम्हारी जगह इन कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। दिल की दीवारें बहुत कमजोर होती है अर्जुन बाबू। करण, तुम अगर तुम्हें मेरा नाम याद है तो तुम्हें यह भी याद होगा कि उस रात तुम पागलपन के जुनून में वहां खाई तक गई थी। खाई? क्या बात कर रहे हो? या किसी की साजिश ने तुम्हें वहां जाने पर मजबूर किया था? साजिश? नहीं। याद करो, मुझे कुछ मालूम नहीं। याद करो, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है जब मैं होश में आई तो इन मच्छरों की बस्ती में थी। इसके सिवा मुझे। इंस्पेक्टर, ये जानते हुए कि मेरी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं, ऐसे बेहुदा सवाल पूछने का मतलब क्या है? मतलब है मिस्टर अर्जुन, क्योंकि लता ने खुदकुशी की नहीं थी, उसे किसी ने मारने की कोशिश की थी।
है वो? वही जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है। कातिल का पहला वार तो खाली गया, लेकिन वो दोबारा कोशिश जरूर करेगा, इसलिए अपने साय पर भी भरोसा मत करना होता। ये मेरा मशवरा नहीं, चेतावनी है। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, तुम्हारे मशवरे या चेतावनी देने से कातिल का इरादा बदल नहीं जाएगा, और तुम यहां अपना वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कातिल की तलाश करो। रही बात मेरी पत्नी की, उसकी हिफाजत के लिए अर्जुन अभी जिंदा है। आओ लता। पागल हो गई हो? तुम्हारी एक गलती मुझे फांसी के फंदे तक ले जा सकती है। वैसे ही इंस्पेक्टर करण घायल शेर की तरह मेरे पीछे लगा हुआ है। लता की मौत सिर्फ एक हादसा लगना चाहिए, सिर्फ एक हादसा। कल हम दोनों हनीमून के लिए जा रहे हैं। जाते वक्त लता मेरे साथ जरूर होगी, लेकिन वापसी पर अर्जुन अकेला होगा। बेस्ट ऑफ लक। सर, ये रही उस सिगरेट की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट जो शहर के किसी क्रिमिनल या कातिल से नहीं मिलती, और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं ये सिगरेट और फिंगरप्रिंट किस मुजरिम के। शादी पक्की कर आए हैं, और शादी की खरीदारी के लिए हम दोनों कल शहर चलेंगे। ये देखिए बाबूजी, सुहाग का जोड़ा जिसके चारों तरफ जरी की लड़ी और बाकी साड़ी है फूलों से भरी, इसे पहनकर आपकी बहन ऐसे लगेगी जैसे इंद्रलोक की अप्सरा अपना सिंहासन छोड़कर धरती पर उतर आई हो। लाओ तो जरा देखें। अरे वाह, सच कहा भैया, इसे पहनकर तो हमारी बहना सचमुच की अप्सरा लगे। क्या कीमत है इसकी? सिर्फ आपके लिए 850 रुपए। हाय राम, ये तो बहुत महंगी है भैया। अरे कोई महंगी वहंगी नहीं, और तू काहे को फिक्र करत है? अरे तेरे भैया के पास इतने रुपए हैं कि तुझे सोने से पीला करके चांदी की पालकी में विदा कर सकत है। इदेख, इदेख, इदेख। हाय राम, इतने रुपए इसे कहाँ से आए भैया? अरे तू काहे ही जानना चाहती है? तू 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 कपड़े पसंद कर। तुम्हें हमारे सर की सौगंध भैया, पहले ये बताओ इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे इसमें सौगंध देने की क्या बात है? अरे बेटी और बहन की शादी तो वो पुण्य है जिसे कमाई के खातिर एक बाप और भाई अपनी जिंदगी भर की पूंजी लुटाई सकते हैं। ये रुपया तो हम अपना घर जमीन बेचकर लाए हैं। का हमारे लगन खाते तुम घर जमीन नीलाम कर दिया और हमको बताया तक नहीं? तुम क्या समझते हो तोगा बेघर करके हम उस हवेली में चैन से जी पाएंगे? अरे लानत है ऐसी शादी पर जिसके हवन कुंड में हमारे भैया का घर जमीन जल जाए। ये हमारे सुहाग का जोड़ा नहीं, तुम्हारी बर्बादी का कफन है भैया, जिसे हम कभी नहीं पहनेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे ज्योति, ज्योति, अरे ज्योति रुक जाओ। बहुत प्यार करते हैं हमसे, और हम भी इसे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं। अभी जाते हैं इसे। ज्योति, ज्योति, भैया, ज्योति।
है ये? ज्योति 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 आंखें खोलो ज्योति ज्योति होश में आओ होश में आओ होश में आओ ज्योति ज्योति नहीं। क्या बात है? क्या हो गया साहब? राय साहब की बेटी ने इस गरीब लड़की की जान ले ली। लता नहीं, नौजवान, तुम्हारा हर बढ़ता कदम तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। राय साहब की बेटी की जिंदगी लेकर तुम अपना इंतकाम तो पूरा कर लोगे, लेकिन तुम्हारे मुकद्दर में फांसी के फंदे के सिवा और कुछ नहीं होगा। हमारा मुकद्दर तो बहन की चिता के साथ जल गया साहब, अब फांसी का खौफ हमारे इरादे को बदल नहीं सकता। कसम भगवान की, बहन की चिता ठंडी होने से पहले हम राय साहब की बेटी को मौत के घाट उतार देंगे। क्या आप पागलों की सी बात करते हो? तुम राय साहब की बेटी तो क्या उसके साये तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर तुम मेरे कहे मुताबिक चले तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें राय बहादुर के घर तक पहुंचा दूंगा। तुम्हारा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें फांसी के फंदे से भी बचा लूंगा। इस मेहरबानी का कारण सिर्फ इतना कि तुम्हें राय साहब की बेटी की जिंदगी चाहिए और मुझे उसकी दौलत। कल 10 तारीख है, राय साहब की जगह इस बार तुम रामगढ़ जाओगे। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा जिसे पिलाते ही राय बहादुर अपने बिस्तर से हिल नहीं सकेंगे। यहां से ट्रेन ठीक शाम को 7 बजे छूटती है। थानपुर स्टेशन आने से पहले ही चलती ट्रेन से तुम कूद जाओगे जहां रीटा जीप लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जीप में बैठकर तुम सीधे हवेली आओगे। रात के ठीक 9 बजे मैं फोन करूंगा जिसे उठाने के लिए लता बैलकनी में आएगी और तुम उसी वक्त उसे अपनी गोली का शिकार बनाओगे। रीटा की जीप में बैठकर इस पुल से होते हुए जूनागढ़ स्टेशन पर तुम फिर से उसी ट्रेन में चढ़ जाओगे और कल सुबह जब तुम रायगढ़ स्टेशन पहुंचोगे तो इंस्पेक्टर करण तुम्हें यह खबर देगा कि तुम्हारी पत्नी लता का खून हो चुका है। दवा कुछ अजीब सी है, जलन सी हो रही है। मेरे ख्याल में इस बार मैं रामगढ़ नहीं जा पाऊंगा। आपको जाना भी नहीं चाहिए, मैं चला जाऊंगा। आखिर इस घर की जिम्मेदारी में मैं भी बराबर का शरीक हूं। Really? Thanks. इस घर की जिम्मेदारी निभाने पहली बार आप इस घर से बाहर जा रहे हैं। आपके मंगल कामना के लिए आरती उतार रही हूँ ताकि आप अपने मकसद में कामयाब हो। अर्जुन, 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 क्या बात? अंकल अर्जुन कहाँ है? वो तो आज शाम की गाड़ी से रामगढ़ गया है। और लता? वो अपने कमरे में है। लेकिन हर महीने के 10 तारीख को तो आप जाते हैं ना? हाँ बेटे, जाने वाले तो थे मगर हमारी तबीयत आज जरा खराब हो गई तो हमने दवा पी ली। दवा पीने से तबीयत और खराब हो गई। दवा आपको अर्जुन ने दी थी? हाँ, क्यों? इसका मतलब है तीर कमान से निकल चुका अंकल। इसका मतलब क्या? कहना क्या चाह रहे हो? आप नहीं समझेंगे अंकल। चलो। यस सर। इस हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। मुझे पूरा यकीन है कि अर्जुन आज ही रात को हमला करेगा। अर्जुन,
करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उस मुजरिम का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ जिसने लता पर गोली चलाई। क्या? लता पर हमला हुआ है और तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम साबित क्या करना चाहते हो इंस्पेक्टर, कि लता का कातिल मैं हूँ? बोलो। शक की आग ने तुम्हारे अकल के परतों को जलाकर खाक कर दिया है, जो तुम एक निर्दोष मुजरिम में फर्क महसूस नहीं कर सकते। मिस्टर अर्जुन, तुम्हारे गर्दन से फांसी का फंदा उतना ही दूर है जितना कि मेरे हाथ से ये सिगरेट पैकेट। मे आई हैव अ लाइट प्लीज? प्यार करता था वो मेरी मोहब्बत थी हरामजादे, अगर आज मेरे जिस्म पर कानून की ये वर्दी नहीं होती तो इस वक्त मेरे जिस्म में जिंदगी नहीं होती। बेवकूफ आशिक, मैं तो अपना इंतकाम पूरा कर चुका हूँ, लेकिन अब तू अपनी इस वर्दी के सितारे उतार कर अपनी मोहब्बत की अर्थी पर चढ़ा देना, क्योंकि अब तेरे कंधों में इन्हें संभालने की ताकत नहीं। राय बहादुर बलवंत राय की बेटी, अपने देहांत के बाद अपनी सारी दौलत और जायदाद का वारिस अपने पति अर्जुन को करार देती हूँ, और भगवान न करे उन्हें भी कुछ हो गया तो सारी जायदाद की जिम्मेदारी डॉक्टर प्रशांत को सौंपती हूँ, जो राय खानदान के ट्रस्टी हैं। ये वसीयत मैं अपने पूरे होश आवास में बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हेलो, हेलो अंकल, अर्जुन है वहाँ? रॉन्ग नंबर। Master, I'm coming to catch you. मैंने कहा ना, रॉन्ग नंबर है। ये क्या कर रहा है बेटा? तू जख्मी है? मां लता की जान खतरे में है, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं उसकी जान बचा सकूं। ये ले बेटा। क्या हुआ? इंस्पेक्टर करण मुझे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आ रहा है। ओह माय गॉड, वो यहाँ पहुंचे उससे पहले तुम यहाँ से फरार हो जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते भाई, कैसे आना हुआ आप लोगों का? आज काली माँ की पूजा है। हाँ। इस शुभ अवसर पर हम चाहते हैं कि मेम साहब हमारी बस्ती के मंदिर में आए। हाँ। जिससे हमारा मान भी बढ़ जाएगा और काली माँ भी प्रसन्न हो जाएंगी। बस यही एक मौका है अर्जुन, तुम काली मंदिर जाने के बहाने लता को घर से बाहर ले जाकर उसका काम तमाम कर सकते हो। ये सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। मेरी बेटी इस हवेली के बाहर जाएगी ही नहीं। मैं एक पल के लिए भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता, मैं मजबूर। आपका इनकार बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मंदिर जैसी पवित्र जगह पर ले जाने के लिए आपको इतराज नहीं करना चाहिए। मैं उसे खुद ले जाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। देखो अर्जुन, तुम लता के पति हो, मैं उसका पिता हूँ, और ये जानते हुए कि उसकी जान खतरे में है, मैं ये इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। लता कहीं नहीं जाएगी। मैं जरूर जाऊंगी। अर्जुन का प्यार और काली माँ का आशीर्वाद ही तो था जिसने कातिल की गोली को मेरे सीने से लौटा दिया। मैं तो खुद काली माँ के दर्शन करना चाहती हूँ,
हो सकता है उन्हीं के चरणों में जाकर मेरी जिंदगी और मौत का राज खुल सके।